हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ सुभद्रा प्रधान। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। यहाँ पे देखिए सौरभ को, आज हमारा फ्राइड राइस और चिली चिकन बन रहा है। क्यों बन रहा है बताओ? क्योंकि आज मेरे पापा का बर्थडे है। बर्थडे है, अच्छा संग जी का बर्थडे है, इसलिए आज हमारा स्पेशल लंच बन रहा है फ्राइड राइस और चिली चिकन। और यहाँ पे देखिए फ्राइड राइस में बना ली हूँ, गर्मा गर्म फ्राइड राइस। और यहाँ पे चिली चिकन के लिए अभी चिकन को फ्राई कर रही हूँ, और आधा चिकन फ्राई और ओके रखा हुआ है। और आपको देखिए शेफ बनाए। बाबा आप जाओ, उधर जाओ, कोई आने का नहीं, आप जाओ जाओ ना बाबा। शेफ मैं हूँ तो शेफ कुकिंग ही करेगा तो कुकिंग मैं ही करूँगा। ओके चलो जाओ, आप जाके आपका ये कम्प्लीट करो। क्या कार्ड? मेरा कार्ड तो कंप्लीट हो चुका है पर लिखावट बाकी है। हाँ जा देखते हैं। तो चलिए गाइस, मैं अभी बना लेती हूँ चिली चिकन। शशांक जी गए हैं मतलब नहाने के लिए गए हैं, वो भी आज बहुत मदद किए हैं और बोल रहे हैं कि बर्थडे के दिन तुम मुझे इतना काम करवा रही हो। तो चलिए गाइस, मैं अभी बना लेती हूँ चिली चिकन। फ्राइड राइस तो बन गया है, फिर मिलते हैं लंच के टाइम पे। क्या बाबा और कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं। क्या देख रहे हो बाबा? चिकन देखा। अब जाओ, जब बन जाएगा तब आके खाना। नहीं मैं रेसिपी पूरा देख रहा हूँ और पापा को बताऊंगा क्या क्या और डालना है। अब डालेंगे सूप, मटन सॉस, सौरभ जो बोल रहा है सौरभ के हिसाब से आज खाना बन रहा है। नहीं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट स्टाइल में उसके बाद चिकन, अभी चिकन क्यों डाला? अभी तो ब्लैक पेपर पाउडर डाला था ना, बाद में ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। ठीक है अब नगेट्स होगा करी में डाल वाले वेजिटेबल करी में डाल के हो गया चिली चिकन। सौरभ आज बहुत खुश है। नहीं उसके साथ चिकन फ्राइड राइस भी बनाए ना, डबल डबल मस्ती डबल फन। ओनली फन करो और कुछ नहीं है आपका। और कुछ नहीं है आपका। सौरभ के लिए गर्मा गर्म चिली चिकन तैयार है, लेकिन आप उसमें थोड़ा इंग्रेडिएंट्स डालना है। सीम कर दो, थोड़ा उसमें सॉफ्ट होने दो। अब ब्लैक पेपर, गार्निशिंग विद स्प्रिंग ऑनियन एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डाला आपने? वो डाला नहीं, डाले हैं अभी डालेंगे। और थोड़ा सॉल्ट, सॉल्ट डालो गाइस। अभी तैयार हो गया है गर्मा गर्म फ्राइड राइस के साथ चिली चिकन। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं चिली चिकन और फ्राइड राइस को एंजॉय करने, तो फिर मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। तो गाइस देखिए बर्थडे बॉय अभी हो गए हैं तैयार। देखिए दिखाओ आपका टी शर्ट, दिखा देखिए टी शर्ट और जीन्स में लाई थी शशांक जी के लिए, ये बर्थडे गिफ्ट हमारे तरफ से। सौरभ पापा का बर्थडे गिफ्ट कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। आप तो देख नहीं रहे हो, देखिए देखो पापा का और मेरा मैचिंग मैचिंग। हाँ, पर मेरा नहीं है। देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। शशांक जी का टी शर्ट
तो चलिए गाइस, शशांक जी अभी ले जा रहे हैं हमें शॉपिंग कराने के लिए। आज उनका बर्थडे है तो बर्थडे स्पेशल हमें शॉपिंग कराने के लिए ले जा रहे हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। सौरभ भी हो गया है तैयार। चलिए देखते हैं सौरभ को क्या किया है। तो सौरभ घर को क्या किए हो, देखिए इधर उधर चारों तरफ कपड़ा फैला के रखा है। देखिए बाबा कार, ये दोनों जो मस्कॉट्स और पेंगुइन बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे पापा एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न टू द डे। सौरभ कार्ड बनाया है पापा के लिए। तो चलो चलो सौरभ, लेट हो रहा है बाबा, ठंडा ठंडा लगेगा, जल्दी जाके जल्दी बंद करो बंद करो बंद कीजिए, है कम करो। चलो तो चलिए गाइस हम लोग निकल रहे हैं अभी। चलिए फिर मिलते हैं पहुंचने के बाद। उधर पहुंच के मैं फिर आप लोगों के साथ बात। गाइस अभी हो गया है हमारा शॉपिंग। इधर गए दोनों, अभी तो शाम हो गया है। सौरभ को भूख लग रहा है, अभी बोला है कि मुझे भूख लग रहा है। चलिए मैं देखती हूँ इधर गए दोनों। देखिए गाइस हम अभी घर पहुंच गए हैं और हमारा और पापा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। हम लोग एक छोटा मिनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं शशांक जी का बर्थडे का। देखिए ये सौरभ के तरफ से ये सेलिब्रेशन है बाबा। हाँ, मैं इसे पापा को दो, पापा को दो। सबसे पहले ये वाला ये वाला। Happy birthday to you. Clap karo. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, Saurav. Thank you so much. Badhiya. Jiska bhi birthday ho, Saurav ka maza hi maza. You can taste each and every cake. तीन फ्लेवर का पापा लाए हैं। Which one is the best? Every cake. ये सौरभ क्या पापा के लिए कार्ड बनाया है, दिखाओ आपका कार्ड। ये तो पेंगुइन और ये मस्कॉक्स विश कर रहे हैं। तो पापा उधर क्या लिखा है सौरभ? You are the best of all fathers and always take care of me. थैंक यू सौरव। वेलकम नाइस कार्ड। हाँ ये तो आपके लिए ही था। थैंक यू सो मच। देखो मैं मुन्नी को खिलाया। थैंक यू। खाऊंगा। और पापा के लिए ये वाला गिफ्ट भी है हम दोनों के तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। इसे हम प्लांट कर देंगे गार्डन में। ओके okay. एक दिन मुझे दीजिए गिफ्ट देके फिर ले जा रहा है। थैंक यू सौरभ। तो गाइस हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया, मिनी सेलिब्रेशन शशांक जी का बर्थडे का। उनको तो पसंद नहीं है ऐसे केक कट करना, ये सब पसंद नहीं है, लेकिन सौरभ के लिए ये सब करना पड़ता है। सौरभ का तो मज़ा ही मज़ा, जिसका भी बर्थडे हो एनिवर्सरी हो सौरभ को अच्छा अच्छा खाना मिलता है और केक खाने के लिए मिलता है। तो सौरभ जीत किया इसलिए शशांक जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते केक कटिंग वगैरह। आपको पसंद क्यों नहीं केक काटना? आपने कभी केक काटा नहीं बचपन में? अपने बर्थडे में क्या किया? बस बचपन में बस खीर बनता था हमारा बचपन में। बर्थडे में? बर्थडे में खीर बनता था, लेकिन आप तो खीर नहीं खाते हो। नेक्स्ट बर्थडे से जिसका बर्थडे होगा खीर बना के मैं आपको खिलाऊंगी। खीर आ गया पर मैं खीर खाऊंगा ही नहीं। मैं खीर को डालती ना मैं खीर और वो गुलाब जामुन बनाते। गुलाब जामुन होने के सब पता गुलाब जामुन हम जैसे बनाए थे वैसे ही गुलाब जामुन बनाते। सो गाइस हो गया हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन और दिन भर का मस्ती फिनिश। हम और कल स्कूल कल लास्ट स्कूल, उसके बाद चलेंगे गांव,
होगा एनिमल्स को बोलूंगा हाय और आपको सारा, और मैंने पहले भी ब्लॉग में बोल चुका था कि मैं आपको एनिमल्स में एनिमल जरूर दिखाऊंगा। सौरभ सारा शेड्यूल बता दिया क्या किसके बाद क्या करना है। सो चलिए गाइस, एक और बार एनिमल्स को देखूंगा। ओके ओके, आज का ब्लॉग को हम कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट नया बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गेलू बाय बाय कर दो, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।